इस ईयर की मेरी सबसे खराब बैटिंग आज के दिन हुई है, और मतलब ये मान सकते हो कि आप जीता जिताया मैच मेरी वजह से कहीं ना कहीं हमने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के वीलॉग में है आपका भाई एक और टूर्नामेंट का मैच खेलने वाला है, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हुआ सुनाई दे रहा हूँ, मेरे घर वाले सो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो उठ गए तो आपके भाई की शुरुआत डांट के साथ होने वाली है और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। और आपके भाई ने किट बैग पैक कर लिया, पूरा पैक्ड है। अब हम मैच की तरफ चलते हैं। आज का मैच टूर्नामेंट मैच है, और इसमें दो चीजें देखने के लिए है। एक तो हमारा मैच कैसा जाता है, सेकंड हमारे मैच में बारिश आती है या फिर नहीं, क्योंकि कल शाम और रात को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। लाइक्स और कमेंट्स का कोई भी टारगेट नहीं है। आपको पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट में अपना वीलॉग का सबसे बेस्ट पार्ट जरूर बता देना। तो क्रिकेटर्स लास्ट वीक की तरह वहाँ पे अभी भी एक गड्ढा खोदा हुआ है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ये एक क्लोज बॉक्स होता है, और इसके अंदर आप कॉस्को या फिर फ्लैश की बॉल से क्रिकेट खेल सकते हो। एक ये भी टाइप का नया टाइप का है, ये 5 या 10 ओवर इसमें आप मैक्सिमम खेल सकते हो। ये छोटा ही होता है 5 या 10 ओवर का। अब हम चलते हैं, आज तो सचिन और यश भी नहीं आने वाले, तो मेरे पास कोई स्कूटी भी नहीं है। अब आज हमें पैदल ही जाना होगा ग्राउंड तक। आज डेफिनेटली मैं कोई भी वार्म अप नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ब्लॉग में वार्म अप नज़र ना आए, मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग करूँगा, रनिंग और जो स्प्रिंटिंग और वो नहीं मारने वाला आज। आज सिर्फ और सिर्फ जाके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो क्रिकेटर्स फाइनली हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, और आज का मैच मैं आपको दिखाता हूं। आज का मैच हमारा इस वाले ग्राउंड पे है, यहां पे भी मैच हो रहा है और शायद उस वाले ग्राउंड पे भी मैच होएगा, बट हमारा मैच यहां पे है। रवि वीआर कब खुलवाओगे ये रास्ता, ये बताओ। मंडे ट्यूसडे खुल जाएगा। और हमारा एक में ही है ना आज यहीं पे। चलो क्रिकेटर्स, ये रोलर है, आपको पता ही होगा कि ये पिच को रोल करने के काम आता है। ये थोड़ा सा मैच से पहले 1-2 राउंड रोलर के चला देते हैं, बाकी तो 1-2 दिन पहले ही पिच प्रिपेयर की जाती है। अब आप में से कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस ने रोलर अपनी खुद की पिच पे चलाया है। और बाकी आज का ग्राउंड मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिकेटर्स, पिच के ऊपर हम आ चुके हैं, और ये पिच लास्ट वीक जैसे ही परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी लग रही है हमें, तो स्टार्टिंग के 6 से 7 ओवर फंस के आ सकती है बॉल। जैसे लास्ट वीक हमारे फंस के आने की वजह से 4-5 बैट्समैन हमारे वापस आउट हो चुके थे, तो इसकी वजह से आज देखते हैं हम
बॉलिंग का डिसीजन सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं हमारी टीम क्या डिसाइड करती है इस पे। वैसे 6 से 7 ओवर के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट स्टार्टिंग के जो ओवर्स है वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ विकेट, और आप नीचे प्रेडिक्ट जरूर कीजिए कि आप बैटिंग लेते या फिर बॉलिंग लेते पहले। हैप्पी बर्थडे भैया, यार सारे कमेंट सेक्शन में नीचे भैया को बर्थडे जरूर विश कर देना। राघव भैया नाम है, क्या हाल है भैया? यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया भैया? चलो कोई नहीं, अभी आपको बता दे। क्या हाल है राहुल भैया? बिल्कुल बढ़िया। चलो भाई सिक्का ले ले। क्या है आज पिच का? क्या वही है पिछले हफ्ते वाली, मतलब वही 6-7 ओवर फंस के आने वाली है। तो क्रिकेटर्स 25 सितंबर का आज दिन है और आज हमारा एक और टूर्नामेंट का मैच है। ये हमारे ग्राउंड ब्रेकर से कृष्णा भैया और ये हमारी डीएसवी। आप में से काफी सारे लोग डीएसपी कह रहे थे। द्रोणा स्पोर्ट्स विलेज हमारी टीम का पूरा नाम है। सेक्टर 64 में हम सारे मैचेस खेलते हैं। और अब हम टॉस की बात करते हैं। बैटिंग, ग्राउंड ब्रेकर्स हैज वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। राइट ही हो भैया? अरे क्या हाल है भैया? हाय कर दो सबको। हेलो, ये हमारे नवीन भैया, इनके कहाँ पे ग्राउंड है? ग्राउंड बता दो। कादरपुर में सेपियंस। ये लो भाई सेपियंस है भैया के। कितने? 3 हैं? 2 है। 2 ग्राउंड है भैया के गुड़गांव में, और आज भैया हमारे ग्राउंड में आए हैं खेलने। अब देखते हैं क्या रहेगा। क्रिकेटर्स, अभी स्कोर अपडेट में आपको दे देता हूँ। 21 रन और 3 विकेट गिर चुके हैं। अभी थर्ड विकेट मैंने वहाँ पे मिड विकेट पे कैच पकड़ी और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सन आ रहा था और ये मैंने अपने भैया के चश्मे लिए, तो ये काफ़ी मेरे को बेनिफिट दिया इनने, और इसकी वजह से सन इतना नज़र नहीं आया, तो बॉल पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हुआ और कैच मैंने पकड़ लिया। और अभी मैं आपको स्कोर अपडेट दे दूं तो 10 ओवर में 75 रन और 3 विकेट हैं इनकी, और काफ़ी अच्छी लास्ट में 1-2 ओवर में हिटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। बाकी देखते हैं, अभी देखो ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा है, पिच थोड़ी सूख चुकी है अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है। इतनी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी, आज भी बारिश के आसार बता रखे थे। तो बाकी ये देखो सनग्लासेस काफ़ी काम आ रहे हैं। आप नीचे अभी जाइए और प्रेडिक्ट कीजिए कितना स्कोर ये वाली टीम बना सकती है। हेलो क्रिकेटर्स, अभी ओवर हो चुके हैं 14.4 और इनके स्कोर है 124 पे 6 विकेट। फर्स्ट इनिंग दोस्तों खत्म हो चुकी है, हमें 154 रन का टारगेट है 20 ओवर में। अब देखते हैं हमारी बैटिंग कैसी रहती है। पिच तो वैसे सूख चुकी है, लेट्स सी, थोड़ी ह्यूमिडिटी, गर्मी भी बहुत है, हवा भी नहीं चल रही है।
चोट चले। अभी 10 ओवर में 77 रन हो चुके हैं और हमारे 3 विकेट गिर चुके हैं। जितने रन हमारे पहले 10 ओवर में बनाए उतने ही हमें सेकंड 10 ओवर में, जो भी 10 ओवर बचे हैं उतने ही रन उसमें बनाने हैं। देखते हैं, आप प्रेडिक्ट कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा और चेज कर पाऊँगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्रिकेटर्स, आज का मैच काफ़ी बुरा रहा है हमारी टीम के लिए। अभी पहले मैं किट पैक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो मेरी किट पूरी गुली हुई है, तो पहले मैं किट पैक कर लेता हूँ और उसके बाद हमारा केक कटिंग भी होने वाली है। एक हमारे राघव भैया का बर्थडे है। हमने सब कुछ कर लिया, हमारा मैच भी पूरा हो चुका है, सेलिब्रेशन भी, केक कटिंग भी हो चुकी है और थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन वहाँ पे चल रही है। तो बाकी मैंने अपनी किट भी पैक कर ली है और आज का मैच की हम बात करें, दूसरी टीम ने, ग्राउंड ब्रेकर्स ने 154 रन का हमें टारगेट दिया था, जो इस ग्राउंड पे चेजेबल था, बिल्कुल चेजेबल था। और हमें हमारी बैटिंग में जो ओपनिंग पेयर गए थे, ओपनिंग पेयर जो हमारे बैटिंग करने गए थे, उनने काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी थी। उनने कुछ 7 ओवर में 77 रन पे 0 विकेट थे, बट अगले ही ओवर में हमारी 2 विकेटें गिर चुकी थी। एक तो हमारे जो ओपनिंग पे खेल रहे थे वो, और जो वन डाउन खेलने गए थे वो तो पहली बॉल पे ही LBW आउट हो गए थे। उसके बाद आपका भाई बैटिंग करने गया था और ये वीडियो मेरे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि ये तू डालेगा नहीं क्योंकि इसमें तूने रन नहीं मारे, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आप भी इस गलती से सीख सकते हो। तो आपको सिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो चाहे मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं बुरा परफॉर्म करूँ, मैं जो भी हूँ आपके सामने रियल बन के रहूँगा, जो भी है सब कुछ आपको दिखाऊंगा, अपनी गलती भी बताऊंगा क्योंकि हर किसी प्लेयर से गलती होती है, चाहे आप कितने ही बड़े लेवल पे खेल चुके हो। तो आज सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ, कुछ मैंने 29 बॉल्स में 16 रन कुछ बनाए, 54 की स्ट्राइक रेट है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस ईयर की मेरी सबसे खराब बैटिंग आज के दिन हुई है और मतलब ये मान सकते हो कि आप जीता जिताया मैच मेरी वजह से कहीं ना कहीं हमने खो दिया वो मैच, क्योंकि स्टार्ट काफ़ी अच्छी मिली थी, 77 रन ऑलरेडी बन चुके थे, हमें कुछ 77 या 78 रन और चाहिए थे बस जीतने के लिए, तो वो बहुत ईजी था मेरे सामने टारगेट। बट क्या हुआ, जैसे ही मैं बैटिंग करने गया, दूसरी टीम ने अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई और थोड़ा फंसा के रखा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा रहा अपने स्पॉट्स को हिट करने, तो मैं पहले ओवर फंस चुका था। उसके बाद दूसरे ओवर में थोड़ी स्ट्राइक भी रोटेट की थी, बट दूसरे एंड से इतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर आज क्या हुआ, आज मैंने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला, जो मेरा नेचुरल गेम था वो थोड़ा मतलब अटैकिंग ही रहता है, आपने विराट कोहली को देखा ही होगा, कहीं ना कहीं वो चौके छक्के मारने के लिए जाते हैं, सिंगल डबल भी वहीं पे ढूंढते हैं, ज्यादा दुखी नहीं होते, ज्यादा सोचेंगे नहीं मैच के बारे में, हम ये सोचेंगे कि हमने गलती क्या की है, उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए।
अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करें, बिना मत जाना। जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो यार, हम 100K की फैमिली के बहुत ज्यादा पास है। तो ऐसे ही मैं अपनी गलतियां भी दिखाऊंगा, आई होप आप उन गलतियों से सीखोगे भी मेरे वीलॉग्स के भी थ्रू। अब मिलेंगे अगले वीलॉग में दोस्तों, जल्द ही अगले हफ्ते शायद होने वाला है। और हाँ, मैंने GoPro लेने की भी प्लानिंग करी है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए क्या मुझे क्रिकेट कार्डियो को GoPro लेना चाहिए, क्योंकि हेलमेट में जो व्यू आएगा यार वो अलग सा ही रहेगा। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।